ये बच्चों को बच्चों से पिटवाने वाली टीचर है। नाम है तृप्ता त्यागी और त्याग कर दिया है इन्होंने इंसानियत का, शर्म का, गुरु की गरिमा का, उस शिक्षा का जिसके दम पर ये उस कुर्सी पर बैठी हैं। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा था इनका मान डालूंगा जोर जोर का मार रहा। किन से पिटवाया था आपको? बच्चे से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? इनका मान डालूंगा जोर जोर का मार रहा। क्यों क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। कौन थे वो बच्चे, उनके क्या नाम थे जिन्होंने पीटा? पता नहीं। जोर बोले? पता नहीं। कितनी देर तक पीटते रहे आपको? एक घंटे। मैंने भी गलती की कि बच्चों को इस तरह से बच्चों से नहीं पिटवाना चाहिए था, और वो मैंने इंटेंशनली, ये मेरा इंटेंशन नहीं था। एक तरफ हम चांद पर पहुंचकर गर्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे बीच ऐसे घिनौने चेहरे हमारे देश का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। तृप्ता त्यागी मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे के पास एक स्कूल चलाती हैं जिसका नाम है नेहा पब्लिक स्कूल। तृप्ता जी ने एक मुस्लिम बच्चे के धर्म का नाम लेकर क्लास के दूसरे बच्चों से उसे पिटवाया। कहा जा रहा है कि बच्चा 7-8 साल का है और मुस्लिम है, और जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों किया तो इनका जवाब सुनिए। हाँ, मैंने जो है कम्युनिटी शब्द का प्रयोग कोई ऐसा वो नहीं किया, क्योंकि मेरे स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम ज़्यादा पढ़ते हैं मेरे स्कूल में। तो इनकी माएँ जो है वो बच्चों को ले जाकर मामा के यहाँ चली जाती थी। मोहम्मदन बच्चों की माएँ उन्हें अपने भाई के यहाँ एक एक महीने के लिए ले जाती हैं, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। आप यकीन ना करें पर वाकई इन्होंने ये बकवास बात कही अपने बचाव में। तो उसमें एग्ज़ाम में दिक्कत आती थी, तो मैं ये डिक्लेयर कर रही थी कि अब कोई भी माँ बच्चे को लेकर ना जाए, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान होगा। थप्पड़ मरवाने का वीडियो वायरल हुआ तो कई आवाजें उठी, क्योंकि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों ही धर्मों के बच्चे यहाँ विक्टिम हैं। दोनों मासूमों को ये महिला टीचर का कवच पहनकर ऐसा पाठ पढ़ा रही है जो उन बच्चों को भविष्य में न जाने कैसा इंसान बनाएगा। इस महिला ने क्लास में मुस्लिम बच्चे को खड़ा किया और उसे अपना होमवर्क पूरा ना करने की सजा देने के लिए उसके धर्म मोहम्मदन शब्द का इस्तेमाल किया, और क्लास के दूसरे बच्चों को बुलाकर उस मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ लगवाया। कहा जा रहा है क्लास में हिंदू मुस्लिम दोनों ही तरह के बच्चे थे, और इसने ऐसी सांप्रदायिक टिप्पणी की जिसके बाद हिंदू बच्चों को बुलवाकर मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ पड़वाए गए। इससे इसने हिंदू बच्चे जो खुद भी अभी मासूम हैं उनके मन में मुस्लिम के लिए जहर भरने का काम किया, और उसे ये पाठ पढ़ाया कि वो उनसे हर लिहाज में बड़े हैं और रहेंगे, और ये भी सिखा दिया मुस्लिम को ऐसे थप्पड़ मारना जायज है। एक नेहा पब्लिक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें बच्चों से एक बच्चे की पिटाई कराई जा रही है। उसमें दो टीचर भी दिखाई दे रहे हैं, एक तो टीचर है, एक का क्लियर नहीं है कौन है ये दो, उसमें से एक भड़का रहा है और वो पिटाई कर रहा है बच्चा। तो इन दोनों टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आप सोच सकते हैं जिस विद्या के मंदिर में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, जहां उन्हें पहनने के लिए यूनिफॉर्म ही इसलिए दी जाती है कि बच्चों के धर्म, जाति, परिवार का बैकग्राउंड, पैसा, किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो सके, वहां आपके बच्चों के साथ बंद कमरों में क्या क्या किया जा रहा है और न जाने कब से किया जा रहा है। वीडियो आज वायरल हुआ तब समझ आया, ऐसे न जाने कितने वाकये हुए होंगे जिनका वीडियो बना न वायरल हो पाया, लेकिन बच्चे इस नफरत की आग में दिन ब दिन स्कूलों में हिंसक बनाए जा रहे हैं। वही वो मुस्लिम बच्चा रोता रहा जब टीचर ने दूसरे बच्चों को बुलाकर कहा और तेज मारो। मुस्लिम बच्चे को हिंदुओं से इंफीरियर महसूस कराया और ये जताया कि तुम हिंदुओं से पिटने लायक हो। सोचिए इस बच्चे की मनस्थिति क्या होगी। और कई लोग बच्चे की मदद के लिए आगे तो आ रहे हैं, हो भी सकता है उसे बेहतर शिक्षा भी प्रदान हो जाए, लेकिन क्या वो इस ट्रॉमा से जीवन भर बाहर निकल भी पाएगा? और जिस बच्चे ने थप्पड़ मारा क्या उसे कभी यह एहसास हो पाएगा कि इसकी टीचर ने उससे बेहद गलत और घिनौना काम कराया? उसका भविष्य कैसा होगा? इसलिए इस मामले में मैं कह रही हूं दोनों ही बच्चे पीड़ित हैं। उनके लिए तो यह कच्ची उम्र में खेल खेल में करने वाली बात हो गई, बिना यह जाने कि यह दोनों ही का शोषण हो रहा है, वो भी उसके हाथों जिसे वो अपना गुरु मानते हैं। इसलिए सिर्फ मुस्लिम बच्चा ही नहीं बल्कि उन हिंदू बच्चों के माता पिता को भी आगे आना चाहिए और इस टीचर और इस घटिया कल्चर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जिसमें उनके बच्चों को कठपुतली की तरह एक हिंसात्मक रवैया अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। हो सके तो वो माता पिता अपने बच्चों की भी अच्छी काउंसलिंग कराएं जिनसे थप्पड़ पड़वाए गए। ये बेहद गंभीर मुद्दा है,
इसको गंभीरता से ले। खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाई गई, लेकिन यूपी पुलिस और एनसीपीसीआर का ध्यान इस बात पर ज्यादा रहा कि वीडियो वायरल कैसे हो गया। अरे वीडियो वायरल कैसे हुआ से ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वीडियो बनाने की नौबत ही क्यों आई। तो सुनिए, तृप्ता त्यागी खुद बता रही हैं कि वीडियो किसने बनाया। ये वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो उसका चाचा बना रहा था। प्रियंका गांधी ने तुरंत इस वीडियो के वायरल होते ही ट्वीट किया, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहां चांद पर जाने की तकनीक की बातें हों या नफरत की चार दीवारी खड़ी करने वाली बातें। विकल्प एकदम स्पष्ट है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें एकजुट होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, अपने देश के लिए, तरक्की के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। देश के प्रधानमंत्री अक्सर ऐसे समय पर जिस म्यूट मोड में रहते हैं, इस घटना पर भी उन्होंने वही किया, इसलिए उनकी तरफ से क्या बयान आया मैं आपको नहीं बता सकती। और आपको बस याद दिला दूं कि देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री, जिनका काम था बच्चों के साथ हर अन्याय और अत्याचार पर आवाज उठाना, वो थोड़ी देर पहले तक ट्विटर पर अपने नंबर यू बनाती नजर आई। इस घटना पर वो मणिपुर की तरह इनकॉग्निटो हो गई। दुखद है कि तृप्ता जी दिव्यांग हैं और इस बात के लिए हमारी उनसे सहानुभूति है, लेकिन इनका दिव्यांग होना इनके अपराध को कतई कम नहीं कर सकता। इन टीचर के अंदर ट्रेन में बंदूक उठाकर धर्म के आधार पर मासूमों की हत्या करने वाला चेतन सिंह बसा हुआ है। इनकी प्रवृत्ति बिल्कुल वही है, सावधान होने का समय आ गया है। आपके बच्चों को जोम्बी बनाने का काम जो गोदी मीडिया ने शुरू किया था, वो अब ट्रेन ही नहीं बल्कि आपके बच्चों के स्कूलों तक, उनके क्लासरूम तक, उनकी टीचरों तक पहुंच चुका है। सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि खुद भी ड्राइंग रूम में चलने वाला यह खून का प्यासा जोम्बी टीवी आपको भी देखना बंद करना होगा, और आपके माता पिता को भी इसे देखने से बचाना होगा। गोदी मीडिया की जहरीली डिबेट देखना अब बंद कर दीजिए, बचा लीजिए अपने बच्चों को बड़े होकर तृप्ता त्यागी और चेतन सिंह बनने से। ये वीडियो सामने आया और पुलिस ने पहले कहा कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं कर पाएंगे, पीड़ित मुस्लिम बच्चे के माता पिता में से किसी को करना होगा, शिकायत करनी होगी। जब पिता से बात की गई तो उन्होंने जरूर कहा, यह बहुत गलत हुआ, हम अपने बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं लेकिन शिकायत नहीं कर रहे हैं। आवाजें बुलंद होती रहीं क्योंकि यह समझ आ रहा था कि मामला मुस्लिम बच्चे के साथ शोषण का है, इसलिए यूपी पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जयंत चौधरी का यह ट्वीट देखिए, जो कहते हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि अगर बच्चे के माता पिता शिकायत नहीं कर रहे तो पुलिस इसमें सुओ मोटो यानी खुद से कार्रवाई करे। उसके बाद अभी अभी खबर आई है कि बच्चे के पिता ने शिकायत दर्ज करा दी है और टीचर तृप्ता त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धाराएं 505 और 506 में मामला दर्ज करना पड़ गया है। आज थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडर्न बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है, जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सोचिए, हम उस देश में आज जी रहे हैं जहां कुछ दिन पहले एक हिंदू टीचर करण सांगवान जब बच्चों से पढ़े लिखे नेताओं को वोट करने की अपील करता है तो उसे अनअकैडमी ऐसी अपील करने के लिए ही नौकरी से निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ एक हिंदू टीचर तृप्ता त्यागी एक धर्म विशेष के बच्चे के धर्म का नाम इस्तेमाल करके उसे बहुसंख्यक धर्म के दूसरे बच्चों से पिटवाने का अपराध करती है और उस पर कार्रवाई के लिए इतनी आवाजें बुलंद करनी पड़ती हैं तब जाकर तो कोई एक्शन लेने की बात होती है। और इसकी आहट मैं कई समय से देख रही हूं। याद है पिछले साल मणिपाल के क्लासरूम का वायरल हुआ ये वीडियो जिसमें बच्चा चूंकि उम्र में बड़ा है तो समझ पा रहा था कि उसका जहरीला टीचर क्या करने की कोशिश कर रहा था। No, it's not, sir. It's not. 26-7 was not funny. It's not funny.
तो उसने टोक कर सही गलत का पाठ उल्टा अपने टीचर को ही सिखा दिया। ये वीडियो भी वायरल हुआ था, इसलिए सब सामने आ पाया। बैकग्राउंड में कई बच्चे हंसते हुए सुनाई दिए थे, पर ये एक अकेला था जिसने गलत बात पर सीधा रिएक्ट किया। क्लासरूम में स्लो पॉइजनिंग एक षड्यंत्र के तहत लंबे समय से की जा रही है। ऐसे लोग हैं देश के असली दुश्मन, जो शब्दों के जहर को हथियार बनाकर देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा ऐसा सड़ा हुआ समाज हमने नहीं तो और फिर किसने बनाया है? और अब भी आंख बंद करके ऐसा होते रहने देंगे तो सोच लीजिए, समानता का समाज बनाने की बजाय हम किस किस लेवल पर भेदभाव को प्रोत्साहित करने लगेंगे। जिन बच्चों को पहले हिंदू होने के नाम पर सुपीरियर दिखाया जाएगा, अगली बार उन्हें उनकी जाति, फिर उनका जेंडर, फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड और न जाने किन किन आधार पर हिंसात्मक बनाया जाएगा। इस कच्ची उम्र में दी गई गलत शिक्षा उन्हें बड़े होने पर क्या बना सकती है, सोचकर भी डर लगता है। और अगर डर लगता है तो डरना जरूरी है, क्योंकि कल ये डर सच में बदलता आप खुद देखेंगे और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको तय करना है आपको अपने जीवन में कैसी गुरु चाहिए। ऐसी इसरो वैज्ञानिक चाहिए जिन्होंने हमें चांद तक पहुंचा दिया, या तृप्ता त्यागी जैसी जिन्होंने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। मुजफ्फरनगर के लोगों को तृप्ता त्यागी की शिक्षा से हिंसात्मक और जहरीली पीढ़ी बनानी है, या मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करने वाली क्षितिजा शुक्ला के जैसी पीढ़ी तैयार करनी है जिन्होंने बनाया चंद्रयान 3 का लैंडर। आपको तय करना है। सत्यमेव जयते।